नमस्कार, वेलकम एट इंग्लिश स्टडी। आई एम रेखा गुप्ता। दिस इज 2020 इंग्लिश सीरीज विद प्रैक्टिस सेट 12। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। लेट अस मूव टू फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेस वीडियो। इट वॉज एज्यूम्ड एट द टाइम एंड कंटिन्यूज टू बी एज्यूम्ड दैट द प्ले लुक बैक इन एंगर 1956 मार्क्ड आइदर अ रिवॉल्यूशन or a watershed in the history of the modern British theatre. Who was its author? Author is John Osborne. तो क्वेश्चन पूछा है कि लुक बैक इन एंगर 1956 का वर्क इसके ऑथर कौन है? जॉन ऑसबर्न। और इस प्ले के बारे में क्या कहा गया है कि ये एक रिवॉल्यूशन है या वॉटरशेड है किस फील्ड में? मॉडर्न ब्रिटिश थिएटर के हिस्ट्री में। तो वो कौन सा प्ले है जो मॉडर्न ब्रिटिश थिएटर के हिस्ट्री में एक रिवॉल्यूशन या वॉटरशेड का काम करता है? तो दैट इज लुक बैक इन एंगर। और ये कब पब्लिश हुआ था? 1956 में। किसका वर्क है? जॉन ऑसबोर्न का। क्वेश्चन नंबर टू, हु इज द ऑथर ऑफ सक्सेसफुल कॉमेडी सच एज अ फोनिक्स टू फ्रिक्वेंट, द लेडीज नॉट फॉर बर्निंग एंड वीनस ऑब्जर्व्ड आर? क्रिस्टोफर फ्राई। हियर इज क्वेश्चन कि वो कौन से ऑथर है जिन्होंने अ फोनिक्स टू फ्रिक्वेंट, The Ladies Not For Burning and Venus Observed करके ये तीनों वर्क्स लिखे हैं और ये सक्सेसफुल कॉमेडीज हैं। तो ये ऑथर है क्रिस्टोफर फ्राई। याद रखेंगे क्रिस्टोफर फ्राई के ये वर्क है और ये किस तरह के वर्क है? कॉमेडीज हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले आर रिटन बाय आर्थर मिलर? आर्थर मिलर ने कौन कौन से प्ले लिखे हैं? तो हियर इज आंसर, डेथ ऑफ सेल्समैन, द क्रूसिबल, अ व्यू फ्रॉम द ब्रीज। तो याद रखेंगे आर्थर मिलर के वर्क के डेथ ऑफ सेल्समैन, द क्रूसिबल, अ व्यू फ्रॉम द ब्रिज। क्वेश्चन नंबर फोर, हु इज द ऑथर ऑफ द ग्लास मैनेग्री, अ स्ट्रीट कार नेम डिजायर एंड कैट ऑन अ हॉट टीन रूट? टेनेसी विलियम्स। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि कौन है इन वर्क्स के ऑथर? वर्क्स क्या क्या है? द ग्लास मैनेग्री, अ स्ट्रीट कार नेम डिजायर एंड कैट ऑन अ हॉट टीन रूट, ये तीन वर्क्स हैं और इनके ऑथर पूछे जा रहे हैं। तो ऑथर है टेनेसी विलियम्स। याद रखेंगे कौन? टेनेसी विलियम्स। यहाँ पे किसके वर्क से? आर्थर मिलर के और यहाँ पे टेनेसी विलियम्स के। आर्थर मिलर ने क्या क्या लिखा है? डेथ ऑफ सेल्समैन, द क्रूसिबल, अ व्यू फ्रॉम द ब्रिज। और टेनेसी विलियम्स के वर्क है द ग्लास मैनेग्री, अ स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर एंड कैट ऑन अ हॉट टीन रूट। क्वेश्चन नंबर फाइव, द मोस्ट फेमस बेकेट्स वर्क्स हैज बीन हिज मिस्टीरियस बट इनोवेटिव प्ले दैट इज वेटिंग फॉर गैडोट। हियर इज क्वेश्चन फ्रॉम सैमुअल बेकेट। पूछा जा रहा है कि सैमुअल बेकेट का कौन सा फेमस वर्क है जो मिस्टीरियस है लेकिन इनोवेटिव प्ले है, दैट इज वेटिंग फॉर गैडोट। वेटिंग फॉर गैडोट में टू कैरेक्टर्स होते हैं और वो गैडोट का लास्ट मोमेंट तक वेट करते रहते हैं, बट He never come. Question number 6. In which of his plays Beckett uses blindness of ham as a mode of suggesting that one kind of deprivation may alert audiences to the force of alternative ways of perceiving? End game. Samuel Beckett ne apne kis play mein ham of blindness ko use kiya as a mode of suggesting That one kind of deprivation, जो एक तरह का deprivation है, वो और जो audience है उनको alert कर सकता है। तो इस तरह का चीज Samuel Beckett ने अपने किस play में use किया है? That is Endgame। याद रखेंगे Endgame is the play of Samuel Beckett। और इन्होंने ham of blindness को use किया है mode of suggestion के रूप में। Question number 7, who is the protagonist in Osborne's Look Back in Anger? तो जॉन ऑसबोर्न का जो फेमस प्ले है लुक बैक इन एंगर, इसका प्रोटागोनिस्ट कौन है? तो जिमी पोर्टर। याद रखेंगे ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, बहुत ही फेमस वर्क है ये लुक बैक इन एंगर और जॉन ऑसबोर्न का वर्क है। इसमें अक्सर प्रोटागोनिस्ट का नाम जो है बहुत ही अलग है और ये कैरेक्टर अलग है थोड़ा सा, तो इसलिए अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखेंगे जिमी पोर्टर। क्वेश्चन नंबर 8, इन 1992 अ मिडिल एजेड जिमी पोर्टर रिटर्न टू द स्टेज इन ऑसबोर्न्स डेजा वू। तो अगेन इट्स क्वेश्चन फ्रॉम जॉन ऑसबोर्न। पूछा जा रहा है कि 1992 में जिमी पोर्टर जो मिडिल एजेड के रूप में फिर से स्टेज पर आता है ऑसबोर्न के किस प्ले में? डेजा वू में।
तो याद रखेंगे जिमी पॉटर मेन कैरेक्टर है लुक बैक इन एंगर का, लेकिन ये जिम जॉन ऑसबर्न का एक और प्ले है डेजा वो, उसमें भी ये अपीयर होता है, लेकिन किस रूप में अपीयर होता है, मिडिल एजेड में, यानी कि उस समय डेजा वो में जिमी पॉटर की एज क्या रहती है, मिडिल एजेड मैन रहता है, और जिमी पॉटर की एज लुक बैक इन एंगर में क्या होता है, यंग होता है। तो याद रखेंगे ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑसबोर्न का प्ले है लुक बैक इन एंगर, जिसमें जिमी पॉटर कैरेक्टर है, और यही कैरेक्टर मिडिल एजेड मैन के रूप में 1992 के ऑसबोर्न के प्ले डेजा वू में भी अपीयर होता है। क्वेश्चन नंबर 9, ऑसबोर्न पंगेटली ऑब्जर्व एंड इक्वली पंगेटली स्पाइटफुल ऑटोबायोग्राफी वॉज नेम्ड अ बेटर क्लास ऑफ पर्सन। तो दिस इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ जॉन ऑसबोर्न। याद रखेंगे किसकी ऑटोबायोग्राफी है, अ बेटर क्लास ऑफ पर्सन, जॉन ऑसबोर्न की ऑटोबायोग्राफी है। क्वेश्चन नंबर 10, सैमुअल बेकेट्स बायोलॉजी पब्लिश टुगेदर इन 1959 अंडर इंग्लिश टाइटल्स मोलोए मैलन डायोश एंड अननेमेबल वाज फर्स्ट रिटेन इन फ्रेंच। तो हियर इज क्वेश्चन फ्रॉम सैमुअल बेकेट्स, पूछा जा रहा है कि सैमुअल बेकेट की बायोलॉजी पब्लिश होती है 1959 में और उसका इंग्लिश टाइटल क्या है, मोलोए मैलन डायोश और साथ में अननेमेबल, ये दोनों ही इनके बायोलॉजी के टाइटल है, इंग्लिश टाइटल है, लेकिन इनकी बायोलॉजी जो है पहले पब्लिश होती है फ्रेंच लैंग्वेज में। क्वेश्चन नंबर 11, द राइटर डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द अमेरिकन नॉवेलिस्ट हेनरी मिलर बोर्न इन इंडिया एंड ऑथर ऑफ द ओवरटली इरोटिक द ब्लैक बुक एंड एगन इज लॉरेंस ड्यूरेल। ब्लैक बुक एंड एगन ये किसका वर्क है, लॉरेंस ड्यूरेल का, और इसके बारे में फैक्ट चेक कर लेते हैं। लॉरेंस ड्यूरेल जो है अमेरिकन नॉवेलिस्ट हेनरी मिलर से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, और लॉरेंस ड्यूरेल का जन्म इंडिया में होता है और इन्होंने लिखा है ब्लैक बुक एंड एगन। तो याद रखेंगे अमेरिकन नॉवेलिस्ट हेनरी मिलर से प्रभावित होने वाले और इंडिया में जन्म लेने वाले लॉरेंस ड्यूरेल है और इनका वर्क है ब्लैक बुक एंड एगन। क्वेश्चन नंबर 12, विलियम गोल्डिंग्स फर्स्ट एंड मोस्ट एंड्यूरिंगली पॉपुलर नॉवेल सेट ऑन अ डेजर्ट आइलैंड ऑन विच अ मैरून पार्टी ऑफ स्कूल बॉयज ग्रेजुअली फॉल्स अवे फ्रॉम सिविलाइजेशन इज लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। तो हियर इज क्वेश्चन फ्रॉम लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, ये विलियम गोल्डिंग का फर्स्ट नॉवेल है और बहुत ही पॉपुलर नॉवेल है। इसमें क्या दिखाया गया है कि जो स्कूल बॉयज हैं वो एक आइलैंड में डेजर्ट होते हैं और वो फॉल अवे फ्रॉम सिविलाइजेशन। तो लॉर्ड ऑफ फ्लाइज में क्या होता है, स्कूल बॉयज होते हैं एक डेजर्टेड आइलैंड में आते हैं और वो धीरे धीरे जो सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, उससे धीरे धीरे नीचे चले जाते हैं, गिरते चले जाते हैं। तो ऐसा विलियम गोल्डिंग के फर्स्ट नॉवेल लॉर्ड ऑफ फ्लाइज में दिखाया गया, याद रखेंगे लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। क्वेश्चन नंबर 13, विच नॉवेल ऑफ गोल्डिंग मूव्स बैक टू एन एंथ्रोपोलॉजिकल प्री हिस्ट्री इन विच द टैलेंटेड एंड ब्रूटस प्रोग्निटर्स ऑफ होमो सेपियंस एक्सटर्मिनेट दियर सिंपलर माइंडेड नियंडरथल प्रीकर्सर्स। तो विलियम गोल्डिंग का वो कौन सा नॉवेल है जिसमें ये एंथ्रोपोलॉजिकल की तरफ मूव करते हैं, जिसमें प्री हिस्ट्री इन्होंने दिखाया है और बताया है कि जो टैलेंटेड और ब्रूटस प्रोग्निटर्स हैं होमो सेपियंस के, वो जो सिंपल माइंड वाले नियंडरथल हैं, नियंडरथल मानव जो होते हैं ह्यूमन बीइंग, जिनकी एक आपको पता है कि ह्यूमन बीइंग कई तरह के स्टेज से होकर गुजरा है, तब जाके आज के डेट में ह्यूमन बीइंग का इस तरह से विकास हुआ है। तो वही पूछा गया है कि नियंडरथल प्रीकर्सर के जो ये नियंडरथल प्रीकर्सर हैं, इनके ये है होमोसेपियंस, तो इन्हीं के बारे में क्वेश्चन पूछा है। तो इनके बारे में विलियम गोल्डिंग ने अपने किस नॉवेल में लिखा है, तो दैट इज द इनहेरिटर्स। याद रखेंगे द इनहेरिटर्स इज द वर्क ऑफ विलियम गोल्डिंग और ये एक नॉवेल है, एंथ्रोपोलॉजिकल नॉवेल है, और इसमें इन्होंने प्री हिस्ट्री दिखाई है, होमोसेपियंस को दिखाया है, नियंडरथल को दिखाया है। क्वेश्चन नंबर 14, विच नॉवेल ऑफ गोल्डिंग हैज एज इट्स सेंट्रल कैरेक्टर जोसलेन द एम्बिशियस डीन ऑफ एन अननेम्ड इंग्लिश कैथेड्रल। हियर इज क्वेश्चन फ्रॉम गोल्डिंग दैट किस गोल्डिंग का वो कौन सा नॉवेल है जिसमें एक सेंट्रल कैरेक्टर है और वो सेंट्रल कैरेक्टर जो है वो इंग्लिश कैथेड्रल का डीन है
और ये इंग्लिश कैथेड्रल जिसका कोई नाम नहीं है, तो दैट इज द नॉवेल इज द स्पायर। याद रखेंगे विलियम गोल्डिंग का नॉवेल है द स्पायर, और इसका सेंटर कैरेक्टर है जोसलिन, जो कि डीन है, एम्बिशियस डीन है एक अननेम इंग्लिश कैथेड्रल का। द स्पायर के ऑथर कौन है? विलियम गोल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डिंग्स द पिरामिड 1967 वाज फॉलोड बाय व्हाट अपीयर टू बी अ पीरियड ऑफ एब्सटेंशन, सॉरी एब्सटेंशन फ्रॉम फिक्शन एंड एब्सटेंशन ब्रोकन इन 1979 बाय डार्कनेस विजिबल। है इस क्वेश्चन फ्रॉम विलियम गोल्डिंग्स दैट कि विलियम गोल्डिंग का एक वर्क है द पिरामिड, जो कि 1967 में पब्लिश होता है, और इसको फॉलो करता है कौन सा पीरियड? पीरियड ऑफ एब्सटेंशन फ्रॉम फिक्शन एंड एब्सटेंशन दैट इज ब्रोकन इन 1979 किसके द्वारा? डार्कनेस विजिबल के द्वारा। तो क्वेश्चन है कि जो विलियम गोल्डिंग का नॉवेल है, सॉरी वर्क है द पिरामिड 1967 का, ये एक पीरियड को बिलोंग करता है, उस पीरियड को कहते हैं पीरियड ऑफ एब्सटेंशन फ्रॉम फिक्शन, और इस पीरियड को ब्रेक करता है 1979 में एक वर्क है दैट इज डार्कनेस विजिबल। क्या फैक्ट्स दिख रहा है? द पिरामिड किस टाइम का वर्क है? पीरियड ऑफ एब्सटेंशन फ्रॉम फिक्शन के टाइम का वर्क है, और इस पीरियड को ब्रेक करता है डार्कनेस विजिबल 1979 में, और द पिरामिड किसका वर्क है? विलियम गोल्डिंग का। कब पब्लिश होता है? 1967 में। क्वेश्चन नंबर 16, Hook began his literary career with two volumes of short stories, The Wrong Set 1919 and Such Darling Dodos 1950. Angus Wilson. Here is question from Angus Wilson. ये अपनी career, literary career start करते हैं अपनी two short stories volumes से. First है The Wrong Set 1919 का और second है Such Darling Dodos 1950. तो इन्होंने अपनी जो लिटरेरी कैरियर है इन्हीं दो वॉल्यूम से स्टार्ट किया है, और ये किस तरह के वॉल्यूम से? शॉर्ट स्टोरी के। तो याद रखेंगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द रॉन्ग सेट 1919 का शॉर्ट स्टोरी वॉल्यूम किसका है? एंगस विलियम विल्सन का। सच डार्लिंग डोडोस 1950 का शॉर्ट स्टोरी वॉल्यूम किसका है? एंगस विल्सन, और इसी से इन्होंने अपनी लिटरेरी कैरियर स्टार्ट की थी। क्वेश्चन नंबर 17, Angus Wilson's work which are included, Let Call As If by Magic, Setting the World on Fire. So here is some work of Angus Wilson. Kya kya hai? Let Call As If by Magic, Setting the World on Fire. Question number 18, Who is the author of philosophical studies such as The Sovereignty of Good 1970 and Metaphysics as a Guide to Morals 1992? Iris Murdoch. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फिलोसफिकल स्टडीज के ऑथर कौन है, किस तरह की फिलोसफिकल स्टडीज वाली वर्क है द सॉरेंटी ऑफ गुड 1970, मेटाफिजिक्स एज अ गाइड टू मॉरल्स 1992। तो ये दोनों वर्क है आयरिस मोडॉक का, और आयरिस मोडॉक जो है इन दोनों वर्क को इन्होंने फिलोसफिकल फॉर्म में यूज किया है, मीन्स ये इनके फिलोसफिकल वर्क है। याद रखेंगे आयरिस मोडॉक, सॉरेंटी ऑफ गुड 1970, मेटाफिजिक्स एज अ गाइड टू मॉरल्स 1992, ये दोनों ही आयरिस मोडॉक के फिलोसफिकल वर्क हैं। क्वेश्चन नंबर 19, आयरिस मोडॉक रीड बेकेट्स मर्फी एज एन अंडरग्रेजुएट एट ऑक्सफोर्ड एंड पेड होमेज टू इट इन हर फर्स्ट नॉवेल अंडर द नेट। हियर इज क्वेश्चन दैट कि आयरिस मोडॉक ने सैमुअल बेकेट का वर्क मर्फी पढ़ा था जब वो अंडर ग्रेजुएट में थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, और इन्होंने जब अपनी लाइफ की फर्स्ट नॉवेल लिखी अंडर द नेट, तब अंडर द नेट में इन्होंने सैमुअल बेकेट के लिए होमेज प्रोवाइड किया। तो याद रखेंगे आयरिस मोडॉक ने सैमुअल बेकेट के लिए अपने नॉवल अंडर द नेट में होमेज प्रोवाइड किया है, एक तरह से होमेज उन्होंने दी है, श्रद्धांजलि दी है। और आयरिस मोडॉक ने बकेट की मर्फी को पढ़ा था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जब अंडर ग्रेजुएट में वो थी। तो अंडर द नेट किसका वर्क है? आयरिस मोडॉक का, और इस नॉवल में उन्होंने किसको होमेज दिया है? तो बकेट को। क्वेश्चन नंबर 20,
क्वेश्चन नंबर 20, ब्रैडली पियर्सन अ नॉवेलिस्ट इज द नरेटर ऑफ मर्डॉक्स मोस्ट एक्सपेरिमेंटल नॉवेल द ब्लैक प्रिंस। ब्रैडली पियर्सन जो कि एक नॉवेलिस्ट है और ये आयरिस मर्डॉक के एक एक्सपेरिमेंटल नॉवेल द ब्लैक प्रिंस में प्रेजेंट होते हैं। याद रखेंगे द ब्लैक प्रिंस किसका वर्क है? आयरिस मर्डॉक का। और इसमें ब्रैडली पियर्सन नॉवेलिस्ट जो है वो इस नॉवेल का क्या है? नरेटर है। तो याद रखेंगे द ब्लैक प्रिंस नॉवेल का नरेटर है ब्रैडली पियर्सन, ये एक नॉवेलिस्ट है और ये जो वर्क है द ब्लैक प्रिंस आयरिस मर्डॉक का एक्सपेरिमेंटल नॉवेल है। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।